हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जनी एक्सप्लोर चैनल में। आप देख सकते हैं हम जैविक विविधता उद्यान रांची यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क रांची पहुंच चुके हैं। यह शहर से थोड़ी दूरी पे है, हाईवे पे स्थित है, काफ़ी नाम सुना था। अब हम चल के देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का है, क्या मेंटेनेंस है, यहाँ घूमने लायक क्या है, वो सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अंदर घुसने के बाद कुछ इस तरीके का रोड मिल जाता है जो सीमेंटेड वाला ईंटा से बनाया गया है, और साथ में आप जंगल का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रदेश में झारखंड में जगह जगह पे ये साल का पेड़ पाया जाता है, वो साल का जंगल मिलता है, ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं जो शहर में रहते हैं जिनको नहीं मिलता है, उस तरीके से आप यहाँ आके जंगल का मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन बहुत गर्मी है दोस्तों अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैक्टस का बहुत सारे प्रजाति हैं, अलग अलग टाइप के हैं। और एक मज़ेदार वाली बात यह है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से जो ढक के रखा गया है कहीं हवा पास होने का भी थोड़ा सा जगह नहीं है। यहाँ पे मतलब आधा घंटा रहना बहुत मुसीबत हो जाएगा किसी के लिए भी। और ये वाले में थोड़ा सा मज़ेदार है, आप कैटक्स का साइज देख सकते हैं कि ये एकदम मोटा मोटा और काफ़ी बड़ा बड़ा है, और पीछे वाले में जो था सिर्फ छोटा छोटा हुआ करता था। ये भयंकर लग रहा है एकदम, सही बता रहे हैं हम। और कुछ कुछ हमारे तरफ पाया जाता है ये जो छोटा छोटा है इस टाइप का, और कुछ कुछ कैटस में लाल लाल फूल भी खिले हैं, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से है। और यहाँ भी कुछ अलग सा कैटस है, आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार देखे वो अलग था, ये थोड़ा सा अलग है। और इधर कुछ आपको लंबे लंबे और बड़े बड़े नज़र आएंगे, तो वैरायटी बहुत सारा है। लेकिन दोस्तों बहुत गर्मी है, हम उतना ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं इधर में। और इसमें बड़े बड़े गोल गोल कैटस आप देख सकते हैं, ये ज़िंदगी में हम पहली बार देखे हैं। और पता नहीं, अगर आप लोग देखे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि ये हमारे आसपास में कहीं मिलता है क्या। आगे में देख सकते हैं कुछ पार्क है, बच्चे का खेलने वेलने का सारा कुछ जगह है, लेकिन हम लोगों ने बुड़बकी कर दिया लगता है कि इतना धूप में आके घूम रहे हैं इधर में। तो थोड़ा सा इसमें बैठा जाए और रेस्ट करा जाए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, जवाब दे रहा है हमारा शरीर भी। दोस्तों जैसे देखें आप, हम बायोडायवर्सिटी पार्क रांची के नामकुम में जो स्थित है वहाँ गए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी क्या है कि ये गर्मी का दिन है जिस कारण थोड़ा सा रौनक बहुत कम मिला उधर का। तो एक जो गार्ड अंकल है वहाँ पे, उनसे बात हुआ तो वो बताए कि सबसे बेस्ट सीज़न जो होता है वो नवंबर दिसंबर और जनवरी होता है, जो ठंडे का सीज़न होता है, उस समय भीड़ भी बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है और खूबसूरती भी बढ़ जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर कुछ सालों में, 5-10 सालों में अच्छी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जगह ले लेगा। तो बाकी आज के वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा।